Hey, what's up guys, Anuj here, और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। और मैथमेटिक्स का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स एक बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं और इन छोटे छोटे टॉपिक्स की वजह से ना वो बड़ा वाला क्वेश्चन कई बार टाइम की वजह से मिस कर देते हैं या फिर उस एक ऑप्टिमाइज वे में नहीं कर पाते इन छोटी छोटी चीज़ों को और वो बड़ा वाला क्वेश्चन मिस हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के, और वो जो टॉपिक्स हमारे होने वाले वो ये हैं मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, और पहला है सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स, दूसरा है जीसीडी और तीसरा है मॉड्यूलर मैथमेटिक्स। और ये तीनों टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जाओ, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर ये तीन टॉपिक्स में से एक ना एक बार क्वेश्चन आपका पक्का आ रहा होगा। जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उनके अगर आप कोड में आगे देखोगे तो उन्होंने ये सारी जो चीज़ें ना उनके अपने खुद के फंक्शन बना रखे, मैक्रोज नहीं होते, वो बना के रखे हुए हैं, डिफाइन कर रखे हैं और वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं उन्हें, लेकिन हमें नहीं पता होते कई बार और इसकी वजह से हम ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीन के साथ, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। होता है क्या कि आपको अगर निकालने की कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो अगर आपको सिर्फ ये बताने की ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो इसका तरीका हमें पता है। एक प्राइम नंबर क्या होता है? एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका अपने और वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, राइट। ये एक प्राइम नंबर होता है, और हमें पता है, अगर हमें पता लगाने की ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हमें अगर ना 2 से लेकर अंडर रूट ऑफ दैट नंबर तक जाना है और चेक करना है कि कोई भी नंबर उसका एक फैक्टर है या नहीं है। अगर 2 से लेकर रूट एन तक के बीच में उस नंबर का कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। ये बात हमेशा याद रखनी है हमें। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर एन प्राइम है, तो अगर एन प्राइम है तो इसकी कंडीशन ये होगी कि 1 से लेकर अंडर रूट एन तक के बीच में एन का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, नो फैक्टर। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और ये चीज से आपको कई बार आप चेक करते हो 1 से लेकर एन तक जा रहे हो तो फैक्टर निकालने के लिए, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपका ओ ऑफ एन से डायरेक्टली आपका ये ओ ऑफ एन की पावर हाफ हो जाता है, ठीक है, ओ ऑफ रूट एन तक हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ चेक करना है 1 से लेकर रूट एन तक, अगर कोई फैक्टर नहीं है तो ये नंबर प्राइम है। तो ये तो हो गई प्राइम नंबर की बात, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि काफी सारे टेस्ट केसेस दे देंगे वो और बताएंगे कि अलग अलग टेस्ट केसेस के अंदर पता करो कि आपको प्राइम नंबर है नहीं है, मतलब आपको काफी सारे नंबर्स को चेक करना है कि ये प्राइम है नहीं है। तो उस केस में हम ये नहीं करेंगे कि हर बार जा जाके नंबर को चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। मतलब अगर सपोज करो आपके पास के नंबर्स हैं और के नंबर्स के लिए आप चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं है, तो आप के टाइम्स ये रूट एन वाली एल्गोरिथम को लगा रहे हो, राइट। तो के टाइम आप रूट एन जा रहे हो, तो ये ना करके हम एक और चीज देखेंगे जिससे हम एक रेंज के अंदर बता सकते हैं कि कितने नंबर प्राइम है। मतलब मैं आपको बोलूंगा बताओ 1 से लेकर 1000 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको ज्यादा के हर नंबर को चेक नहीं करना कि ये प्राइम है या नहीं है। सी ऑफ इरेटोस्थीन वाली एल्गोरिथम आपको बता देती है एक बार में कि 1 से लेकर 1000 के बीच में ये नंबर प्राइम है, और इसके लिए बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम है और बहुत ही जल्दी आपको बता देती है, आपको बेसिकली प्री प्रोसेसिंग करने के काम में आती है ये। तो कंसेप्ट बेसिकली यही है इसके पीछे कि सबसे पहले सपोज करो आपको बोल रखा है कि 1 से लेकर 12 तक बताना है आपको कि कितने नंबर प्राइम है, तो 1 से लेकर 12 तक हम पहले एक लिख लेंगे 1 2, ठीक है, 1 से 12 तक हमने काउंटिंग लिख ली। उसके बाद ये एक बूलियन एरे बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे एक बूलियन एरे, ठीक है, बूलियन एरे हमने बनाया, और क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ट्रू मार्क कर देंगे, मतलब हम सबको बोल देंगे कि ये प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, हम इनिशियली सबको अज्यूम कर लेते हैं कि सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी नंबर्स को इटरेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, मतलब 4, 6, 8, 10, 12, इन सबको मैं फॉल्स मार्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर का एक फैक्टर है 2। अगर 4 का एक नंबर 2 एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब 4 पक्का प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, 2 को छोड़ के जितने भी मल्टीपल मुझे मिल रहे हैं, मैं सबको फॉल्स मार्क कर दूंगा। तो सबसे पहले मिला मुझे 2 और 2 है ट्रू, तो मैं 4 को मार्क करूंगा फॉल्स, इसी तरह मैं 6 को फॉल्स मार्क करूंगा, 8 को भी, 10 को भी और 12 को भी। तो जो भी 2 के मल्टीपल मुझे मिले मैं उन सबको फॉल्स मार्क कर दिया, तो अब ये 2 ट्रू नहीं है, ये सारे फॉल्स हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं अब आगे बढ़ूंगा, 3 पे जाऊंगा, तो 2 हो गया मेरा, अब 3 पे आऊंगा मैं और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको जाके मैं फॉल्स मार्क करूंगा। तो इस तरीके समझो आप क्या करो, मैं पहले मैंने 2 के मल्टीपल्स को मार्क किए तो जितने भी इवन नंबर थे वो सारे हट गए हैं। अब मैं 3 के मल्टीपल मार्क करूंगा तो 6, 9, 12 ये सारे नंबर्स फिर से हट जाएंगे। उसके बाद 4 तो ऑलरेडी मार्क नहीं है, फिर मैं 5 के मल्टीपल्स को मार्क करूंगा, 5 को छोड़ के। तो इससे होगा क्या, जितने भी मल्टीपल्स होंगे सबके वो सारे फॉल्स मार्क होते जाएंगे और एंड में आपके पास सिर्फ बचेंगे प्राइम नंबर्स। तो ये इसके पीछे कंसेप्ट होता है, और ये सीव ऑफ इरेटोस्थीन बेसिकली यही होता है। सीव मतलब बेसिकली छन्नी, ठीक है, छानते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, राइट। तो वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। तो 3 के मल्टीपल्स मार्क करते हैं, तो 3 का मल्टीपल पहला मिला 6, तो 6 तो ऑलरेडी फॉल्स है, कोई जरूरत नहीं है। 9 को मार्क कर देते हैं फॉल्स और 12 तो मार्क दिया,
अब 3 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 4 के पास। तो 4 के मल्टीपल मार्क करते हैं, तो 4 के मल्टीपल मार्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 ऑलरेडी एक फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसके मल्टीपल मार्क करने की जरूरत नहीं है। 5 के मार्क करते हैं, 5 ट्रू है तो 5 का मल्टीपल मिला मुझे 10 और उसको आगे मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो मुझे 5 के बाद 10 को मार्क करने की जरूरत नहीं हुई। तो इससे भी एक और चीज समझ सकते हैं हम, वो क्या कि अगर आपको बोल रखा है कि 1 से लेकर n तक बताओ कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको जो ये वाला लूप चलाना है ना मार्क करने वाला, ये सिर्फ आपको अंडर रूट एन तक ही चलाना है, अंडर रूट एन तक ही चलाना है। अगर आपने अंडर रूट एन तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के लिए मार्क कर दिया तो आपके सारे सारे मार्क हो गए। 11 का कोई भी आपको 22 नहीं मिलने वाला 12 के बाद, राइट। आपको 7 का 14 नहीं मिलने वाला, 7 का अगला मल्टीपल। तो इसी से 12 का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 12 होगा आपका 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 ही मान लेते हैं। तो हमें चलना है बेसिकली 2 से लेकर 3 तक। तो 2 और 3 के अगर आपने मार्क कर लिए तो आपने सारे के सारे फिल कर दिया, आपको 5 के 7 के 11 के मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बेसिकली 2 और 3 के लिए मार्क किया और हमारे पास फाइनली जो एरे बचा वो क्या है, वो ये है। 1 को हम इनिशियली फॉल्स ही कर देंगे यार, क्योंकि 1 इज अ नॉन प्राइम नंबर, तो 1 इज फॉल्स। देन एरे जो होगा वो ये होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। और ये एरे हमें बताता है कि कोई भी नंबर किसी भी इंडेक्स पर प्राइम है या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 11th नंबर एक प्राइम नंबर है जबकि 10 नंबर एक नॉन प्राइम नंबर है। तो इससे एक बार में हमारा ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 12 तक की रेंज के अंदर जितने भी नंबर थे वो सारे सारे प्राइम मार्क हो गए। तो ये वाली कंसेप्ट था और इसको जरा हम कोड कर लेते हैं वो इक्लिप्स के अंदर आके। तो मैं अपने इक्लिप्स के अंदर आया, मैंने क्लास बना रखी है मैथमेटिक्स फॉर सीपी और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। तो ये फंक्शन एक बुलियन एरे रिटर्न करेगा, बुलियन एरे, और आपको एन दे रखा होगा और एन तक को आपको बताना है कि ये एक बुलियन एरे रिटर्न करना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बुलियन एरे बना लेते हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, आपके एरे तो जीरो बेस्ड इंडेक्स होते हैं, तो ये एरे तो 12 का ही है लेकिन आपके जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो उससे बचने के लिए मैं एक एरे जो बनाऊंगा वो एन प्लस वन का बना लूंगा, ठीक है। और एक यहाँ पे आगे जीरो आ जाएगा और जीरो की वैल्यू को मैं फॉल्स कर दूंगा, वन की वैल्यू को भी फॉल्स कर दूंगा। तो एरे बनाएंगे हम एन प्लस वन का, जिससे कि हमें इंडेक्सिंग के अंदर वो माइनस वन ना करना पड़े। तो हम उसके लिए एक एरे बनाएंगे बुलियन एरे, लेकिन इस बार जो एरे बनाएंगे इसका नाम रखता हूँ इस प्राइम इक्वल्स टू न्यू बुलियन एरे। इसका साइज हम रखेंगे एन प्लस वन, ठीक है। एन प्लस वन मैंने साइज रखा है और ये बोल रहा है कि रिटर्न कर दो, तो हम रिटर्न कर देते हैं इसी को, इस प्राइम को। अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं हम। तो हमें करना है क्या, हमें 2 से लेकर अंडर रूट एन तक जाना है और उन सभी नंबर्स के मल्टीपल को मार्क कर देना है, राइट। ये चीज़ हमें कर रहे हैं। तो हमें हमारा एरे चलेगा 2 से, हमारा लूप चलेगा 2 से। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 आई मल्टीप्लाई बाय आई is less than equals to n i plus plus। तो एक एक करके हमारा लूप आगे बढ़ रहा है और रूट एन तक चल रही है। i मल्टीप्लाई बाय n, i इज लेस देन n, इसका मतलब वही हो गया i लेस देन रूट एन, एक ही बात है, राइट। एक दूसरा लूप बनाऊंगा मैं इसके अंदर, जिसके अंदर मैं इंडेक्स रखूंगा j, जो चलेगा मेरा i 2i से चलेगा बेसिकली, 2 मल्टीप्लाई बाय i और j लेस देन n, j प्लस इक्वल्स टू i होगा। तो इसका मतलब समझे, इस वाले लूप में क्या किया मैंने, तो सेकंड मल्टीपल से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोज करो 3 के लिए था तो 3 का सेकंड मल्टीपल है 6, तो सेकंड मल्टीपल से मैं चलूंगा आगे। और कब तक चलूंगा, जब तक j लेस देन n है, वो तो ठीक है। और मैं j को कैसे बढ़ा रहा हूँ, j प्लस इक्वल टू i, 2 पे था अगर मान लो i, j 2 पे था तो 2 से 4 पे गया, 4 से 6 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर जब i हमारा 3 हुआ तो हमारा j पहले 3 से 6 पे आया, फिर 9 पे गया, फिर 12 पे गया। सिमिलरली इस तरीके से वो जंप मार रहा है, इसलिए j प्लस इक्वल टू i किया। और बस कुछ नहीं करना, इस प्राइम वाले एरे को jth इंडेक्स पे मार्क कर देना है फॉल्स। अच्छा, मैंने इन सबको ट्रू तो मार्क ही नहीं किया, ठीक है, इन सबको ट्रू मार्क कर देते हैं। तो एक एरेज का मेथड होता है एरेज डॉट फिल, ठीक है, और जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज यहाँ पे आ चुका है। एरेज के इस मेथड में मार्क कर देते हैं इस प्राइम के सारे नंबर्स को ट्रू। इस प्राइम का जो जीरो इंडेक्स पे नंबर है वो है आपका फॉल्स, और इस प्राइम का वन नंबर पर जो इंडेक्स है वो भी आपका है फॉल्स, ठीक है। तो जीरो और वन दोनों जगहों पे आपके फॉल्स है, बाकी सभी जगहों पे जाके आपने जा जाके फॉल्स किया है। और जो आपके पास रिटर्न होगा वो एक ऐसा एरे होगा जिसके अंदर जिस जिस पोजीशन पे ट्रू है वो पोजीशन आपकी प्राइम है, ठीक है। इसको जरा मैं चला देता हूँ यहाँ पे, तो एक बुलियन एरे ले लेते हैं सी ऑफ एटोसिन, और सपोज करो मैं निकालना चाहता हूँ 20 तक, ठीक है। तो इसको जरा प्रिंट कर लेते हैं, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू,
तो इस प्राइम की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ 0 से लेकर 20 तक, और इसको चलाते हैं अब। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ, चला देखते हैं क्या हुआ। तो 0 फॉल्स, 1 फॉल्स, 2 ट्रू है, 3 ट्रू है और 5 ट्रू है, 7 ट्रू है। सिमिलरली आपका 11 ट्रू है, आपका 13 ट्रू है, आपका 17 ट्रू है एंड 19 ट्रू है। तो इसने आपको एक बार के अंदर सारे के सारे इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स थे उन सबका बता दिया कि कौन सा एक प्राइम नंबर है और कौन सा एक नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इससे आपके वो जो क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ पे आपको प्राइम निकालने होते हैं काफ़ी सारे नंबर्स के लिए, हो सकता है मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए आपको प्राइम निकालने हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि आपको क्या करना है, सभी टेस्ट केसेस के लिए चेक नहीं करना कि ये प्राइम है या नहीं है। एक बार प्री प्रोसेसिंग करेंगे टेस्ट केसेस में आने से पहले ही, सबसे ऊपर प्री प्रोसेसिंग करेंगे और एक इस प्राइम नाम का एरे बना लेंगे और उस एरे को यूज करेंगे बार बार हर टेस्ट केस के लिए। ठीक है, तो ये एक वो तरीका था सीव ऑफ एराटोस्थीन जिससे मैंने काफी बार मेरी हेल्प हुई है। कई बार बहुत सारे प्राइम नंबर्स निकालने होते हैं रेंज के अंदर, तो वहां पे काफी ज्यादा हेल्प होती है इससे। अगला टॉपिक है हमारा जीसीडी, और जीसीडी यार जितना मैं स्ट्रेस करूं कम है, क्योंकि जीसीडी कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में जीसीडी लग रहा होता है। आपने एलसीएम एचसीएफ सुने होंगे अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, तो HCF जो होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बेसिकली वही होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दो नंबर का GCD मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा है। और जीसीडी निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो होता है आपको यूक्लिड ज्योमेट्री से निकलता है, यूक्लिड मैथमेटिक्स से निकलता है। और वो एक 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 हाइपोथेसिस हो कह लो या फिर कोई थ्योरम कह लो, उसके ऊपर बेस्ड है। और वो थ्योरम क्या है वो जरा हम देखते हैं। थ्योरम बेसिकली आपकी ये है कि जीसीडी ऑफ ए बी जो होता है वो बराबर होता है जीसीडी ऑफ ए माइनस बी एंड बी, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी है। तो ये होता है जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी एंड बी। इसका अगर आपको प्रूफ चेक करना है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, काफी अच्छे से समझा रखा है, वो लिंक जाकर चेक कर लेना। लेकिन ये हाइपोथेसिस होती है जिसके ऊपर आपका बेस्ड होता है कि जीसीडी अगर आपको दो नंबर के निकालने हैं तो आप उनको छोटा कर सकते हो, बड़े नंबर को थोड़ा छोटा कर दो, ए माइनस बी कर दो, तो अब ये थोड़ा छोटा हो चुका है। और इस नंबर का अगर आपको निकालना है तो रिकर्सिवली आप छोटा करते जाओ इसे। ठीक है, जब तक कि इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो ना हो जाए और जो दूसरी चीज बचेगी वो आपका बेसिकली जीसीडी होगा। ठीक है, तो सपोज करो ए माइनस बी और बी किया और अब कुछ और कोई नंबर बड़ा हो गया, सपोज करो ये वाला नंबर जो था अभी भी बड़ा है, तो अब एक और बार इसके अंदर हम माइनस बी कर देंगे, माइनस थ्री बी, माइनस फोर बी, जब तक कि ये नंबर इससे बड़ा है। फिर जैसे ही ऐसा होता है कि ये नंबर छोटा हो जाता है इस नंबर से, तो आप फिर बी में से ये वाला नंबर माइनस करने लग जाओ। ऐसे करते रहो जब तक कि कोई एक नंबर छोटा ना हो जाए और जीरो ना हो जाए, छोटा हो के, और फिर फाइनली जो नंबर होगा आपका वो जीसीडी होगा, जो दूसरा नंबर बच्चे का वो जीसीडी होगा। तो इसी चीज़ को यूज करके हम यार एक और चीज़ डिराइव कर सकते हैं, वो ये कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली जीसीडी ऑफ ए बी को हम कह सकते हैं जीसीडी ऑफ बी एंड ए मॉड बी। ये मैंने बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ए मॉड बी जो होगा वो बी से ऑब्वियसली छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक कि ए मॉड बी जीरो ना हो जाता। वाइल ए मॉड बी इज नॉट जीरो, तब तक हम ये करते रहेंगे, और जैसे ही ए मॉड बी जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये इसी चीज से डराइव हुआ है। और ये दोनों के अगर आपको प्रूफ देखने की कैसे डराइव हो रहा है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। अभी मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा, बस अभी अगर आपको समझना है या फिर अगर अभी आपको एक फॉर्मूला देखना है, एक वन लाइनर फंक्शन देखना है जिससे हम जीसीडी निकालेंगे, तो आज हम वो चीज़ देखने वाले हैं। अगर आपको प्रूफ चेक करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है, आप जाके चेक कर सकते हो उसे। ठीक है, तो जीसीडी को इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बड़े ईजिली एक लाइन के फंक्शन से। जरा देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और एक फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक इंट जीसीडी, और ये दो नंबर लेता है इंट ए एंड इंट बी, और इन दो नंबर का जीसीडी निकाल के देता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका बी जीरो हो गया, ठीक है, इफ बी इक्वल्स टू जीरो तो रिटर्न कर दो ए। ये एक रिकर्सिव फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले उसके लिए बेस केस लिखते हैं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन हमें पता ही है, तो अगर बी जीरो है तब तो रिटर्न कर दो ए, लेकिन अगर बी जीरो नहीं है तो रिटर्न करो जीसीडी ऑफ बी एंड ए मॉड बी। तो ये आपका दो लाइन का फंक्शन था, और इससे हम दो नंबर्स का जीसीडी कभी भी निकाल सकते हैं। तो जैसे सपोज करो 12 और 36 का जीसीडी निकालना है, तो ये तो 12 ही होगा, 27 और 15 का जीसीडी निकालना है, तो ये होगा आपका 3, राइट, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ा नंबर है वो, जो कि 15 का भी फैक्टर है और 27 का भी फैक्टर है। ठीक है, तो इससे हम चेक कर लेते हैं जरा, सभी एग्जांपल के लिए चला के देख लेते हैं। तो सिस आउट जीसीडी ऑफ लेट्स से 15 एंड 27, तो
तो इसे मैं चलाता हूँ, इसने प्रिंट किया 3, ठीक है 3 सही है। सपोज करो मुझे निकालना है 24 एंड 72 के लिए निकालते हैं, तो 24 ही आएगा, 60 के लिए निकालता है, 24 एंड 60 के लिए तो आपका आएगा 12, ठीक है, क्योंकि 12 भी ऐसा नंबर है जो आपका 24 और 60 का सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये कैसे आया इस फॉर्मूले से जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या 24 और 60 के लिए निकालते हैं, तो मैंने लिखा 24 एंड 60, और फिर मैंने देखा कि क्या ए मॉडुलस भी जीरो है, अगर ए मॉडुलस भी जीरो होगा तो ए मॉडुलस भी जीरो होता तो हम ए रिटर्न कर देते, लेकिन ए मॉडुलस भी जीरो नहीं है, ए मॉडुलस बी बेसिकली ए ही आ रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे जी सी डी ऑफ बी विच इज 60 एंड ए मॉडुलस बी विच इज 24। तो अगर पहला नंबर छोटा था दूसरे नंबर से तो भी टेंशन मत लो, ये एक इटरेशन बाद अपनी जगह पे पकड़ लेते हैं ये, ठीक है, अब 60 24 हो गया ये। तो उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या ए मॉडुलस बी आपका जीरो है, तो ए मॉडुलस बी अभी भी जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बी, तो बी आपका 24, तो इसके बाद वाले स्टेप में ये होगा 24 एंड यहाँ पे आएगा ए मॉडुलस बी विच इज 48 एंड 12, ठीक है ये होगा 12। ओके अब चेक करें क्या ए मॉडुलस बी जीरो है, तो हाँ ए मॉडुलस बी जीरो है क्योंकि 24 मॉडुलस 12 इज जीरो, राइट, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे बी और बी है आपका 12, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, तो बी आपने रिटर्न कर दिया और 24 एंड 60 का जो आपका जीसीडी है वो आपका हो गया 12। और अगर आपको इसको वन लाइन में लिखना है तो हम यहाँ पे वन लाइन में से लिख सकते हैं, कैसे, तो अगर ज़्यादा फैंसी बनना आपको तो ये एक वन लाइन के अंदर भी कर सकते हो, वरना इफ वाली कंडीशन लगा के भी किया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं हम। तो यार आई होप आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है आपका सी ऑफ इराटोस्थीन्स और कैसे काम करता है आपका जीसीडी, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती आ रही है ऑलरेडी, तो क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है मतलब जिसमें हम बात करेंगे मॉडुलो अरिथमेटिक्स के बारे में वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसके अंदर मॉडुलो अरिथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डीप में बात करेंगे इसके बारे में, और साथ में कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था, अगर ये फर्स्ट पार्ट पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा आपसे सेकंड पार्ट में, बाय बाय।